हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले के रिएक्शन चैप्टर में हम सॉरी इसके पहले के लेक्चर में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टडी किया था, उसी को हम डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने एक लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी स्टडी किया। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये दोनों का पॉइंट है जस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में। तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, तो अल्किल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वर्सेस हमें स्टडी करना है। दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन, दोनों के जो पॉइंट्स है वो हमें टैली करने हैं एक दूसरे के साथ। तो अल्किल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। जो अल्किल हैलाइड है, दैट अल्किल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखना है आपको, ठीक है। अल्किल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन, किस में जाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन में जाती है। तो दोनों रिएक्शन अल्किल हैलाइड शो करता है। अल्किल हैलाइड इज नथिंग बट द आर एक्स, ये जो अल्किल हैलाइड आर एक्स दैट अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। बोथ रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय बेसिक रिएजन। दोनों जो रिएक्शंस है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, वो दोनों रिएक्शन जो है वो बेसिक रिएजन से होती है। किससे होती है? बेसिक रिएजन से कैरी आउट की जाती है। मतलब अल्किल हैलाइड जो है वो दोनों रिएक्शन में जाता है, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है। और दोनों रिएक्शन जो है वो बेसिक रिएजन से कैरी आउट की जाती है, ठीक है। एंड हिंस देर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस टू रिएक्शन। इसके वजह से वो दोनों रिएक्शन में हमेशा कॉम्पिटिशन होती रहती है। हिंस देर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस टू रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन की वजह से वहाँ पर कॉम्पिटिशन होती है। एंड द रिएक्शन विच एक्चुअली प्रिडोमिनेट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। बट दोनों में से, दोनों रिएक्शन में कॉम्पिटिशन है, बट दोनों रिएक्शन में से एक्चुअली कौन सी रिएक्शन प्रिडोमिनेंट है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। उसमें से पहला फैक्टर है, दैट इज़ द नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, दैट इज़ नेचर ऑफ आर एक्स। ये पहला फैक्टर है जो उस दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट है वो बताने के लिए। उसमें से पहला है नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड प्रीफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, वेयर एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड प्रीफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्किल हैलाइड का नेचर देखो, अगर टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो वो प्रीफर करेगी टू अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर है तो वो क्या प्रीफर करेगी? इट अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जाने के लिए टर्शियरी अल्किल हैलाइड प्रीफर होती है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में वो इजी जाती है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। वेयर एज अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाना प्रीफर करती है। क्लियर हो गया? तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड जो है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन, इट प्रीफर टू गो अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। टर्शियरी अल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन में जाना प्रेफर करती है, और जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस में जाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? टर्शियरी अल्किल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड प्राइमरी अल्किल हैलाइड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। टर्शियरी जाएगी एलिमिनेशन में एंड प्राइमरी जाएगी सब्स्टिट्यूशन में। देन दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ और साइज क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का? तो बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रीफर टू एक्ट एज ए बेस। जो भी बल्कियर होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिसपे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है, वैसी जो स्पीसीज होती है दैट एक्ट एज अ बेस, मतलब बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रीफर टू एक्ट एज अ बेस बाय एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही क्या करती है? प्रोटॉन को, मतलब हाइड्रोजन को, मतलब एच प्लस को क्या करती है? अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करती है एंड दस फेवर द एलिमिनेशन। उसकी वजह से वो क्या करती है? एलिमिनेशन को फेवर करती है, ठीक है। मतलब जिस जो बल्कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो बेस का काम करती है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट करती है, वहाँ से निकाल लेती है प्रोटॉन को, उसके वजह से वो एलिमिनेशन को फेवर करती है, ठीक है। और इसीलिए हम एलिमिनेशन में बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को यूज़ करते हैं, जो प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है।
जैसे बेस है तो बेस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, बल्कि भी तो वो क्या करती है प्रोटॉन को वहाँ से एब्सॉर्ब करती है, उसकी वजह से वहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। एंड सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड इन केस ऑफ कंपैटिबली वीकर बेस, और ये जो सब्स्टिट्यूशन जो है वो फेवर किया जाता है इन केस ऑफ कंपैटिबली वीकर बेस, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्गर बेस की ज़रूरत होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें वीकर बेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस भी ज़रूरत है वीकर बेस, और एलिमिनेशन में हमें लगता है स्ट्रॉन्गर बेस लगता है और सब्स्टिट्यूशन में उसके कंपैरिजन में वीकर बेस लगता है। ठीक है, एंड विच प्रिफर टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो किसका काम करती है न्यूक्लियोफाइल का, और जनरली हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं उसका जो हेडिंग रहता है इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को निकालना दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना, इसकी वजह से इसमें हमें कंपैटिबली वीकर बेस यूज़ करना होता है। लेकिन इसके पहले की जो रिएक्शन है दैट इज एलिमिनेशन, उसमें हम बेस यूज़ करते हैं और वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जो इजिली सब्स्टिट्यूट में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और वो एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पर फेवर होती है। ठीक है, या उसके बाद देखो रिएक्शन कंडीशन, अब रिएक्शन कंडीशन भी उतनी ही मैटर करती है दोनों के कॉम्पिटिशन में। अब लेस पोलर सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन को कौन फेवर करता है, रिएक्शन कंडीशन भी फेवर करती है। तो रिएक्शन की कंडीशन कौन सी है कि एलिमिनेशन रिएक्शन अगर है तो उसमें सॉल्वेंट जो हम लेंगे वो लेस पोलर सॉल्वेंट चाहिए एंड हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर बिहेव लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को कौन फेवर करता है, मतलब रिएक्शन अगर लेस पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है एज वेल एज हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट होती है इट फेवर द एलिमिनेशन, वेर एज लो टेम्परेचर पोलर सॉल्वेंट जो है दैट फेवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब लो टेम्परेचर है और पोलर सॉल्वेंट अगर है तो वो क्या करती है फेवर करती है किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करती है। ये डिफरेंस है दोनों में, दी एलिमिनेशन रिएक्शन में लेस पोलर सॉल्वेंट हाई टेम्परेचर एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लो टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट, ये तीनों फैक्टर्स है जो फैक्टर की वजह से हम एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जनरली ये दोनों रिएक्शन बेसिक रिएक्शन के प्रेजेंस में कैरेट होती है, दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होता है, बट एक्चुअली उसमें से कौन सी रिएक्शन प्रीडोमिनेंट है वो हम इन तीनों फैक्टर से डिसाइड करते हैं, कि नेचर ऑफ अल्किलाइड, दूसरा स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड तीसरा रिएक्शन कंडीशन। तो नेचर ऑफ अल्किलाइड में टर्शियरी अल्किलाइड होता है टोंडोकोस रिएक्शन, वेरस प्राइमरी अल्किलाइड यूज इन इज प्रीफर टोंडोकोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रेंथ और साइज की बात करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हम बेस यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बल्क और इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दैट प्रीफर टू एक्ट एज एज अ बेस बाय एब्स्ट्रैक्टिंग टर्म, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं खुद बेस का काम करता है एंड दिस फेवर्स एलिमिनेशन, उसकी वजह से एलिमिनेशन फेवर होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके कंपेरिजन में वीकर बेस के प्रेजेंस में होती है विच प्रीफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड सी जो है दैट इज रिएक्शन कंडीशन। तो लेस पोलर सॉल्वेंट या फिर हाई टेम्परेचर अगर दैट फेवर्स द एलिमिनेशन, वेयर एज लो टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेस पोलर सॉल्वेंट है या फिर हाई टेम्परेचर अगर है तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, उससे एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छी होती है, और लो टेम्परेचर है और पोलर सॉल्वेंट है तो इट फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर की जाती है। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, अब एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, तो एक्टिव मेटल कौन से रहेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैडमियम, ये तीनों दिए सोडियम एन ए मैग्नीशियम एंड कैडमियम, ये जो तीनों रिएजेंट है सोडियम मैग्नीशियम एंड कैडमियम जो है वो एक्टिव मेटल्स है एंड दैट रेडिली कंबाइन विथ अल्किल क्लोराइड, वो किस कंबाइन होते वो रेडिली कंबाइन होते अल्किल क्लोराइड के साथ, क्योंकि हमें रिएक्शन अल्किल हैलाइड की स्टडी करनी है तो हम उसमें से अल्किल हैलाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं। तो जब ये एक्टिव मेटल लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैडमियम है, जब वो कंबाइन होते हैं अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड या फिर अल्किल हैलाइड के साथ तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बन मेटल बॉन्ड, वो कैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म करने वाला कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं, समझ में आया। तो हेडिंग क्या हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में क्या करते हैं, हम एक्टिव मेटल कौन से यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैडमियम, उसको हम रिएक्ट करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड या फिर अल्किल
आयरेट के साथ, और जब ये रिएक्शन होती है उनके बीच में तो इट फॉर्म्स अ कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। नाउ ए पॉइंट देखो, अब सबसे पहला हेडिंग है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। सबसे पहले हमें किसका स्टडी करना है? रिएक्शन विथ मैग्नीशियम स्टडी करना है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसी होती है? अल्किल हैलाइड को हम जो अलर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, ठीक है। अल्किल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, दैट इज अल्किल हैलाइड। इट्स रिएक्ट विथ द मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइथर। आपको पता है सिंपल रिएक्शन जो है, सिंपल रिएक्शन हम देखते हैं आर एक्स दैट इज अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ द मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ड्राई इथर इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो सिंपली ये Mg जो है इस में ऐड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स आर एम जी एंड एक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ आर एम जी एक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आर एम जी। और जनरली ये रिएक्शन ड्राई इथर के प्रेजेंस में ही कैरी हो जाती है, जिसमें हम अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। इट फॉर्म्स आर एम जी एक्स, दैट इज मिथिल अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। वैसे तो आपको ये रिएक्शन दी है यहाँ पे, ये देखो आर एक्स प्लस एम जी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर गिव्स आर एम जी, दैट इज कॉल्ड अ अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा रिएक्ट कंपाउंड है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है एंड दे रिएक्ट विथ वाटर। वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है और कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है या फिर कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वाटर के साथ साथ वो ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक ऑक्सीजन है, लाइक नाइट्रोजन है, ठीक है, इनके साथ अटैच है तो उसके साथ वो रिएक्ट होता है, समझ में आया, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो वाटर के साथ भी रिएक्ट होता है और ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है जो कंपाउंड में हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ अटैच होता है, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ वो अटैच होता है, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं, आपको रिएक्शन वैसे दी है तो आर एम जी एक्स दैट इज़ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द मेथेनॉल दैट इज सी एच सी ओ। अब यहाँ पे कंपाउंड में हाइड्रोजन आइटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी हाइड्रोजन जो है वो अटैच है किस साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये कंपाउंड जो है अल्कोहल उस कंपाउंड में वन सेकेंड हमारी रिएक्शन क्या थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज आर एम जी और एक्स जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो रिएक्ट होता है मिथेनॉल के साथ और मिथेनॉल ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है। और वैसे भी हमने बोला कि वो वाटर के साथ या फिर कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमारे अल्कोहल में वैसे है हाइड्रोजन इज अटैच विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऐसी रिएक्शन है सी एच थ्री ओ एच की। अब यहाँ पे रिएक्शन जो है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सी एच थ्री ओ एच के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, मतलब यहाँ का जो एच है वो एच यहाँ के आर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। इट गिव्स आर एच दैट इज अल्के एंड प्लस बचाव पुट हमें मिलता है एम जी एक्स और ओ एच, ये बचाव पूरा ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम से अटैच होता है, मैग्नीशियम यहाँ पे X और यहाँ पे O सी एच थी जो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है जो नीचे दी है आर एम जी एस रिएक्ट विद मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का ये जो H है वो R के साथ अटैच होता है, H और R अटैच हो जाता है, R और अटैच होकर आर एम जी एक्स
सॉरी आर एच बनता है, दैट इज आर एच इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर के जगह मैंने सी एच टी लिया और एच उसमें डाल दिया तो सी एच टी एच मतलब क्या होता है सी एच फोर, मतलब वहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनता है। और एम जी के साथ एक्स तो ऑलरेडी अटैच है, जो बचाव ग्रुप है आर सी एच थ्री हो तो वो इसके साथ अटैच हो जाता है, इट फॉर्म्स एम जी एक्स और ओ सी एच थ्री। ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड दैट कंटेनिंग हाइड्रोजन अटैच विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें जो अमोनिया है इसमें हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। तो अभी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दैट इज आर एम जी एक्स, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दैट इज आर एम जी एक्स इज रिएक्ट विद द अमोनिया दैट इज हाइड्रोजन अटैच विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में भी सेम वैसे ही होता है, इस रिएक्शन में भी हमें हाइड्रोकार्बन मिला, मतलब यहाँ का जो एक एच है वो एच हाइड्रोजन, ये जो एक एच है वो आर के साथ ज्वाइन होता है, इट फॉर्म्स आर एच। तो वहाँ पे आर और एच जो है वो ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, आर और एच ज्वाइन होके वहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, आर और एच ज्वाइन होके हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, प्लस बचा है यहाँ का एन एच टू और यहाँ का एम जी एच, तो एम जी एक्स के साथ एन एच टू अटैच होता है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, हमें यहाँ पे आर एच एक हाइड्रोकार्बन मिलता है और एक एम जी एक्स एन एच टू मिलता है। ठीक है, एम जी एक्स एन एच टू प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मैग्नीशियम के साथ एक हैलोजन और एक अमाइन ग्रुप मिलता है। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड हाइली रिएक्टिव होता है, तो वो वाटर के साथ एज वेल एज हाइड्रोजन अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होता है। ठीक है, जैसे कौन से दो है, जैसे अल्कोहल है और अमोनिया, तो इसमें ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ आपका हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होकर वो हाइड्रोकार्बन का जैसा कंपाउंड दोनों इसमें फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, देन रिएक्शन विद मैग्नीशियम हो गया, देन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इस दोनों का पॉइंट देखो क्या दिया है कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है इन ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन में आपको पता ही अभी जो हमने देखा था दैट इज़ आर एम जी एक्स, तो इस ग्रिग्नार्ड रीजन में मतलब आर एम जी एक्स में जो कार्बन और मैग्नीशियम मतलब इन दोनों के बीच के बॉन्ड, आर में क्या है कार्बन है और कार्बन अटैच है मैग्नीशियम के साथ, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। ठीक है, कैसा बॉन्ड है, आर एन जी एक्स में जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है जो है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन किग्नाइजेशन इज अ पोलर कोवालेंट बॉन्ड, वो कैसा है पोलर कोवालेंट बॉन्ड है, एंड द कार्बन पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, हिज कार्बन इन किग्नाइजेशन रीजन हैज अ नेगेटिव पोलैरिटी एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन में जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उस ग्रिग्नार्ड जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है आर एम जी एक्स, इस आर एम जी एक्स में कार्बन और मैग्नीशियम, ठीक है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है पोलर कोवालेंट है। पोलर कोवालेंट क्यों है, कोवालेंट है क्योंकि शेयरिंग की वजह से बना, और पोलर क्यों है क्योंकि मैग्नीशियम है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसकी वजह से वो कार्बन पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम, कार्बन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कार्बन नेगेटिव हो गया, और कार्बन नेगेटिव है तो वो क्या करता है वो इस बॉन्ड से पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो कार्बन पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम से पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेता है, हिंस कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, नन एज अ नेगेटिव पोलैरिटी, उसकी वजह से कार्बन इन ग्रेजुएट हैज़ अ नेगेटिव पोलैरिटी एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जिससे वो कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एंड विक्टर ग्रिग्नार्ड रिसीव अ नोबल प्राइज इन 1912 फॉर द सिंथेसिस, और ग्रिग्नार्ड रीजन जो है उसके सिंथेसिस के लिए मतलब आर एम जी एक्स के सिंथेसिस के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को एक नोबल प्राइज मिला है 1912 में।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड और उसके स्टडी के लिए भी मिला है, ठीक है, मतलब विक्टर ग्रिगनार्ड जो है उसको नोबेल प्राइज़ मिला है 1912 में, किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन के लिए एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड और ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, मतलब कार्बन मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड के लिए। ग्रिगनार्ड रीजन इज़ वेरी वर्साटाइल रीजन, ग्रिगनार्ड रीजन ये बहुत वर्साटाइल है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है, वर्साटाइल रीजन यूज़ बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है और वर्साटाइल है। विनिल एंड अरिल हैलाइड ऑल्सो फॉर्म्स अ ग्रिगनार्ड। विनिल मतलब आपको पता ही है कि विनिल मतलब क्या होता है, कि विनिल में विनिल हैलाइड मतलब क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसके नेक्स्ट उसी कार्बन पे, विनिल मतलब क्या, विनिल हैलाइड में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन से कोई भी एक कार्बन पे हैलोजन अटैच तो इट्स कॉल्ड अ विनिल हैलाइड ये। और अरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग में जो हैलोजन है उस हैलोजन के साथ भी मैग्नीशियम की रिएक्शन होकर वो ग्रिगनार्ड रीजन को फॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड के बारे में। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ग्रिगनार्ड रीजन में है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नीशियम, उसकी वजह से कार्बन नेगेटिव हो जाता है, मतलब इनफैक्ट पूरा जो अल्किल हैलाइड है वो ही अल्किल हैलाइड में से जो आ रहा है वो नेगेटिव होता है क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मैग्नीशियम से, और इसकी वजह से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।